ने डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी ड्रोन चुराने का आरोप लगाया था। चीन का कहना है कि विवादास्पद दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता यानी सुरक्षित नौवहन को नुकसान पहुंचने से रोकने के लिए ड्रोन को पकड़ लिया गया था। चीन ये भी दावा करता है कि इस क्षेत्र में अमेरिका चीनी तट पर जासूसी कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने मीडिया ब्रीफिंग में ट्रंप के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा है कि हमें चोरी जैसा शब्द पसंद ही नहीं आया, ये सही भी नहीं है। हुआ चुनिंग ने कहा है कि वाकई क्या हुआ उसके बारे में आप रक्षा मंत्रालय के बयान से देख सकते हैं कि चीनी नौसेना को ये अज्ञात उपकरण नजर आया और उसने उसका सत्यापन करने के लिए बिल्कुल पेशेवर तरीके से परीक्षण किया। गौरतलब है कि ट्रंप ने ट्वीट किया था कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में अमेरिका की नौसेना के रिसर्च ड्रोन को चुराया और उसे अपने यहाँ ले गया, जो एक अनएक्सपेक्टेड कदम है। उनके दावे से कुछ घंटे पहले चीन सरकार ने कहा था कि वह इस घटना के संबंध में अमेरिका की सेना के संपर्क में है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।